सौरभ ने तो मेरे पहले ही एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। दरअसल ये दोनों भाई एक ही कंप्यूटर यूज करता है और दोनों ही एक वीडियो एडिटिंग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो रहा है। उसका फोन तो यहाँ चार्ज हो रहा है, मेरा फोन कहाँ गया? ओह लाना भूल गया। आई नो ये बोरिंग लग रहा है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर जो होने वाला है वो इस कहानी का मोड़ बदल देगा। अरे मेरा फोल्डर किधर गया? इसके पास ही तो क्रिएट किया था अभी अभी। यहाँ भी नहीं है। अरे किधर गया? अरे सौरभ का फोन कहाँ गया? अच्छा रुक, तेरा फोल्डर अभी डिलीट करता हूँ। सौरभ की आंखों के सामने उसका बड़ा भाई उसका ही फोल्डर को डिलीट कर दिया। ये देखने के बाद अंदाजा लगा ही सकते हो तूफान आने वाला था। लेकिन ज्यादा देर नहीं, कुछ देर बाद दोनों ही समझ गया इससे किसी का भी फायदा नहीं हो रहा। अब बोल क्यों शुरू किया तूने? नहीं मैंने शुरू नहीं किया। जरूर तू जब फोन लेने आया था तभी मेरा फाइल्स को डिलीट कर दिया था। अरे नहीं नहीं मेरा फोन बज रहा था इसलिए जल्दी से आकर चार्ज से निकाला और बात करते करते चला गया, स्क्रीन की ओर देखा तक नहीं मैंने। तू सच बोल रहा है? देख इतना बहस के बाद झूठ बोलकर क्या फायदा। मैंने इस रूम पर आने के बाद देखा तेरा फोन चार्ज हो रहा था वो नहीं है, और मेरा फोल्डर भी गायब है जो मैंने कुछ देर पहले ही क्रिएट किया था ठीक तेरे फोल्डर के पास। यकीन कर मुझ पे, मैंने ये नहीं किया है। चल एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैंने ही तेरा फाइल्स को डिलीट किया है, लेकिन उससे क्या होगा? और भी तो कंप्यूटर्स हैं, उनको भी तो हराना पड़ेगा। फिर किसने डिलीट किया मेरा फाइल्स? यस दैट्स द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। अगर दोनों ही सच बोल रहे हैं तो फाइल्स किसने डिलीट किया, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो? वो बाद में सोचना, लेकिन अब क्या करें? दो दिन के अंदर प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा और हमारे पास कोई फाइल्स नहीं है। रुक, मेरा एक दोस्त है जो इन मामलों में थोड़ा एक्सपर्ट है, उसे एक बार कॉल कर सकते हैं। लेकिन अरे लेकिन वकीन छोड़, जल्दी उसे कॉल लगा। ठीक है। हाँ बोल क्या हाल चाल? वो सब फॉर्मेलिटीज छोड़, एक बात सुन। सुन रहा हूँ। हमारे कंप्यूटर से कुछ जरूरी फाइल्स खो गया है, मतलब किसी ने डिलीट कर दिया है शायद। अच्छा, जो हमारा वीडियो एडिट करने के लिए जरूरत है, क्या तू किसी तरह से उन फाइल्स को वापस ले आ सकता है? और थोड़ा जल्दी हुआ तो अच्छा है, क्योंकि बहुत अर्जेंट है, एक दिन के अंदर ही चाहिए। कंप्यूटर है या उसे भी उठा ले गया? अरे नहीं नहीं कंप्यूटर है। फिर तो कोई बात नहीं, आसान है। पहले पूरा तो सुन ले, मेरे भाई के ऊपर शक करके मैंने उसका SD कार्ड भी फॉर्मेट कर दिया है। That's also easy. ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। तेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस। सुन, तेरा वाइफ अगर किसी के साथ भाग जाए तो उसे वापस लाना शायद पॉसिबल नहीं। चाय में बिस्किट पिघल जाए तो उसे वापस नहीं ला सकते। मुंह से बात निकल जाए तो उसे वापस नहीं ला सकते। बंदूक से गोली निकल जाए तो उसे अच्छा, समझ गया। अब तू कैसे रिकवर करेगा वो बोल, मैं भी सुनना चाहता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस तेरा कहाँ से आ रहा है? अरे क्यों नहीं आएगा, मैं तो यूज करूंगा वंडर शेयर रिकवरी। इसका पावर तू इमेजिन भी नहीं कर पाएगा। वंडर शेयर नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। हाँ, क्योंकि तूने फिल्मोरा का नाम सुना होगा, वो भी वंडर शेयर का ही एक प्रोडक्ट है। हाँ ठीक ठीक, तो ये फॉर्मेट किया हुआ SD कार्ड से भी डेटा। अच्छा, अभी तुझे इसका पावर थोड़ा समझा देता हूँ और क्या करना है वो भी बता दूंगा। अच्छा एक मिनट रुक, मैं कंप्यूटर ओपन कर लेता हूँ, फिर तू बोलना क्या करना है। अब बोल। देख तू जो सिस्टम यूज कर रहा है विंडोज मैक या दूसरा कोई, ये सबके लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले गूगल या क्रोम पे जाकर सर्च कर वंडर शेयर रिकवरी, देन वेबसाइट पे जाकर अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले। अब तेरा फाइल्स जिस डिस्क के अंदर था उसको स्कैन कर, और अगर याद नहीं है फाइल्स कहाँ था तो एनहांस रिकवरी को यूज कर। और सबसे अच्छी बात ये है तू स्कैन करने के बाद रिकवरेबल फाइल्स का प्रीव्यू को देख पाएगा, जिससे तुझे पहले ही पता चल जाएगा कि तेरा काम का चीज को तू रिकवर कर पाएगा कि नहीं। अगर तेरा काम का चीज मिला तो ही प्रो में अपग्रेड करना, और अगर छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स हुआ 100 MB के अंदर तो फ्री में ही रिकवर कर पाएगा।
सब ठीक है, लेकिन हमें तो वीडियो एडिट करने के लिए फाइल्स चाहिए, तो रिकवर करने के बाद क्वालिटी कैसा रहेगा? मतलब भाई, इसमें फुल HD, 4K, 8K रेजोल्यूशन तक सपोर्ट करता है। अच्छा, लेकिन SD कार्ड का क्या होगा? अरे छोड़ SD कार्ड को, इसमें 2000 से भी ज्यादा स्टोरेज डिवाइसेस लाइक कैमरा, SSD, पेन ड्राइव सपोर्ट करता है और 1000 से भी ज्यादा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है, तो तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं। अब फॉर्मेट क्या हुआ, SD कार्ड को एक पेन ड्राइव के अंदर डाल और PC में लगा, फिर देखना सॉफ्टवेयर के अंदर वो डिवाइस भी दिखाएगा। अब उसे स्कैन कर एनहांस्ड रिकवरी को यूज करके। बस थैंक यू भाई इतना हेल्प करने के लिए, अब आसानी से हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अरे रुको रुको, अभी तक तो असली सच का ही पता नहीं चला, फाइल्स किसने डिलीट किया था? अरे उससे ही पूछना, क्या वो पता लगा सकता है किसने डिलीट किया है? एक बड़ा प्रॉब्लम तूने सॉल्व कर दिया, लेकिन क्या तू ये पता लगा सकता है कि हमारा फाइल्स पहले किसने डिलीट किया था? वो मैं कैसे बताऊंगा, मैं तो कोई एस्ट्रोलॉजर या डिटेक्टिव नहीं हूं। फिर भी एक छोटा सा सजेशन दे रहा हूं, उस रूम में कोई CCTV कैमरा है? ओ यस, ये तो मैं भूल ही गया था, लेकिन वो फाइल्स भी डिलीट हो चुका है। तो क्या हुआ, तुझे पता है क्या करना है? हाँ, वंडर से रिकवर इट। अरे सुन सुन, हेलो, फाइल्स तो रिकवर हो गया लेकिन कोरप्टेड दिखा रहा है। अरे हाँ, तुझे बोलना तो भूल ही गया, तू इसके मदद से कोरप्टेड वीडियो फाइल्स को भी रिपेयर कर पाएगा। सॉफ्टवेयर के अंदर कोरप्टेड वीडियो रिपेयर पे जा और ऐड वीडियो से वीडियो को सिलेक्ट कर ले बस। अरे कोरप्टेड वीडियो क्या है, ये तो कोरप्टेड कंप्यूटर यानी कि क्रैश्ड PC, मतलब जो PC बूट ही नहीं हो रहा उससे भी डेटा को रिकवर कर लेगा, लेकिन उसके लिए बूटेबल USB ड्राइव क्रिएट करना पड़ता है। ये सब तेरे दिमाग में नहीं घुसेगा, छोड़। साले बिल्ली, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए कैरेक्टर से बाहर नहीं निकलना, बाय।